दोस्तों सब्सक्राइब करना ना भूले माय फोटोग्राफी चैनल को और बेल आइकन को दबाओ लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ आपका दोस्त मनोज और आप देख रहे हैं माय फोटोग्राफी चैनल। दोस्तों जो भी नए फोटोग्राफर है, जो भी नए बिगिनर है, उनके पास अगर DSLR कैमरे है तो मेरे ख्याल से उनकी किट लेंस में ये 50mm 1.8 का लेंस होना बहुत जरूरी है और इस लेंस को दुनिया भर के सभी फोटोग्राफर इसे रेकमेंड करते हैं। वो क्यों रेकमेंड करते हैं और ये लेंस इतनी पॉपुलर क्यों है, इसके बारे में हम आज बात करेंगे। देखो दोस्तों, ये है निकॉन कंपनी का AF-S निकॉन 50mm 1.8G। इसमें 1.8D भी आता है लेकिन वो थोड़ा सा सस्ता है, वो मैनुअल लेंस है। और 1.8G थोड़ा सा महंगा है, 12,000 तक इसका अभी प्राइस चालू है और 1.D एक 6,500-7,000 तक मिल जाता है। दोस्तों इसके कुछ पॉइंट्स जो मैंने निकाले हैं, मैं आपसे वो शेयर करना चाहता हूँ। पहला पॉइंट है, एक्चुअली ये है सबसे बेस्ट फोकल लेंस, क्योंकि 50mm क्यों, क्योंकि 50mm जैसे कि हमारी जो मनुष्य की जो आँख है, ह्यूमन आई, उसका निरीक्षण, उसका परीक्षण करके इस लेंस को बनाया गया है। जैसे कि हम सामने जैसे देखते हैं कि जैसे चीज़ों को देखते हैं और पीछे के हम आउट ऑफ फोकस कर देते हैं, लेकिन जो सामने हमें देखता है वो ही हमें हमारे सामने फोकस रहता है, इसलिए इसे बेस्ट फोकल लेंस कहा जाता है। दूसरी बात यह है कि ये लेंस इतनी छोटी है और इसका वजन इतना हल्का है, इतना लाइट वेट है कि आप इसे कहीं पे भी लेके जा सकते हैं। हमारे जो भी फोटोग्राफी का जो ट्रैवल बैग है, फोटोग्राफी का जो भी एक्सेसरीज बैग है, उसमें आराम से फिट बैठ जाती है, ना ही इसे कोई इतनी ज़्यादा जगह लगती है। तीसरी बात, इसका बड़ा वाला एपर्चर 1.8। अब ये 1.8 का इतना बड़ा एपर्चर का यही विशेषता है कि ये लो लाइट में भी अच्छी फोटोग्राफी करता है। और ये लेंस आपको 1.8 बड़ा अपर्चर होने के कारण आपके फोटो में एक तो शार्पनेस तो आता ही है, प्लस जो भी आउट ऑफ फोकस है वो टोटली आपको ब्लर, मतलब ब्लरी फोटोज आपको अगर चाहिए तो ये सबसे बेस्ट है। और इसकी चौथी विशेषता ये है कि अगर आप इसे सिनेमेटिक लुक अगर देना चाहते हैं आपकी मूवी को, या फिर आपके जो भी आपके शादी का फंक्शन, या फिर कुछ हाईलाइट अगर आप रिकॉर्ड कर रहे कुछ भी, मतलब प्री वेडिंग, तो अगर आप इस 50mm 1.8 को अगर आप अपनी DX फॉर्मेट या FX फॉर्मेट को भी लगाएंगे तो आपको एक अलग तरह का सिनेमेटिक लुक देखने को मिलेगा। पांचवा और लास्ट का पॉइंट के बारे में अगर मैं बात करूँ तो ये लेंस अगर आपके किट लेंस में शामिल हो गई तो मेरे ख्याल से आप बेहतरीन फोटोग्राफर बन सकते हैं। अभी आप बोलेंगे ऐसा क्यों, क्योंकि ये फिक्स लेंस है, नॉर्मल जो जूम लेंस है उसमें आपको जूम करना पड़ता है, आपको सब्जेक्ट को एक ही जगह पे आप खड़े होते हैं और जूम करने के बाद आपको जितना चाहिए आप क्रॉप कर सकते हैं, लेकिन ये फिक्स लेंस होने के कारण इसको आपको खुद को आगे या पीछे सब्जेक्ट के होना पड़ेगा। मतलब जैसे कि एक बार आप इससे प्रैक्टिस करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि आने वाले फंक्शन में आपको कितनी दूरी से फोटो खींचना है, कितनी दूरी पे जाके आपको रुकना है, और आपको अंदाजा हो जाएगा सब्जेक्ट और आपके दरमियान। तो मेरे ख्याल से आप इस लेंस का यूज करने के बाद कुछ ही दिनों में बेस्ट फोटोग्राफर या फिर बहुत बेहतरीन फोटोग्राफर आप बन सकते हैं। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि अगर आपके पास बजट का इशू है तो आप ना ही बड़े वाले महंगे वाले लेंस ना ले, मेरे ख्याल से पोर्ट्रेट के लिए बेस्ट लो लाइट सबके लिए और ब्लरी फोटो के लिए एक अच्छी लेंस है, तो आपके ये किट लेंस में शामिल होनी ही चाहिए। तो दोस्तों कैसा लगा आज का हमारा ये वीडियो, अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, सब्सक्राइब करो और कमेंट जरूर करना दोस्तों। धन्यवाद।